नमस्कार, आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है एंड आई होप ऑल ऑफ यू आर हेल्दी एंड हैप्पी। तो आज है हरा भरा ट्यूसडे, तो हरे सेक्शन में मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से आप अपने बालकनी गार्डन की साफ सफाई कर सकते हैं। और भरे सेक्शन में, चूंकि अब सर्दियां शुरू हो गई हैं, तो मैं आपको बहुत ही टेस्टी एक पराठे की रेसिपी देने वाली हूँ। जी हाँ, कैबेज का पराठा, लेकिन ये बिल्कुल अलग तरीके से मैं बनाऊंगी। तो चलिए शुरू करती हूँ रेसिपी। मैंने लिया है ये कैबेज, पत्ता गोभी, इसको मैं बारीक बारीक काट लूंगी। बारीक काटना मतलब कि श्रेडिंग्स जो है, उसके जो श्रेड्स हैं वो ज्यादा लंबे नहीं होंगे। तो ये देखिए, ये जो है इस तरह से जो श्रेडिंग्स आएंगे, ज्यादा लंबे लंबे श्रेडिंग्स मैंने नहीं किए। अब मैं हरा धनिया और हरी मिर्च को बहुत ही बारीक बारीक काट लूंगी, फाइनली चॉप कर लूंगी। मैंने यहाँ चार हरी मिर्च ली, क्योंकि ये ज्यादा तीखी वाली मिर्च नहीं है। आप देख लीजिए आपको कितना तीखापन चाहिए, उस हिसाब से आप मिर्ची ले लीजिए। मैंने कढ़ाई लिया है, उसमें डालूंगी करीब 2 चम्मच तेल, ज्यादा तेल नहीं डालना। That's it, इतना। ये देखिए, ये रिफाइंड तेल है। अब मैं इसमें डालूंगी 1/2 चम्मच जीरा, 1/2 चम्मच सरसों, 1/2 चम्मच सौंफ, और फिर इसमें ऐड किया है कटी हुई हरी मिर्च। इसको थोड़ा सा मैं भून लूंगी और उसके बाद 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। इसे थोड़ा मिला लीजिए इस तरह से, भूंजना नहीं है, जस्ट ये थोड़ा मिल जाए, क्योंकि ये जो अदरक लहसुन का पेस्ट होता है ना, इसे अगर आप ऐसे खाली कढ़ाई में भूंजेंगी तो ये चिपकेगा। तो इस तरह से हो गया। अब इसमें ये कैबेज ऐड कर दीजिए, और कैबेज ऐड करने के साथ साथ मैं इसमें स्वाद के हिसाब से नमक और रंग के हिसाब से हल्दी ऐड कर दूंगी, और हल्दी बहुत ज़्यादा नहीं ऐड करूंगी ताकि इसका जो लाइट ग्रीन कलर है वो इंटैक्ट रहे। और नमक डालने के बाद ये थोड़ा पानी छोड़ेगा इस तरीके से, तो इसका फ्लेम हाई पे करके पानी सुखा देना है। इसका जो क्रंचीनेस है वो ज़्यादा, अगर आप पकाएंगी तो वो क्रंचीनेस नहीं रह जाएगा, तो उसको ध्यान में रखते हुए इसको पकाना है। ये ऑलमोस्ट हो गया है, यहाँ पे मैं गैस ऑफ कर देती हूँ, और ये जब थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा तो इसको मैं आटे में मिला के सान लूंगी। ये नीडिंग जार मैंने लिया है, मैं फूड प्रोसेसर में आटा को नीड करूंगी, आप हाथ से भी कर सकते हैं। और उसमें ऐड करूंगी 1/2 टीस्पून ऑफ सॉल्ट, आटे में भी नमक मिलाने से अच्छा रहता है, और करीब 1 टीस्पून ऑयल। और फिर इसमें ऐड करूंगी ये चॉप्ड हुआ धनिया। धनिया जितना ज्यादा डालेंगी उतना अच्छा टेस्ट आएगा। और उसके बाद ये जो मैंने कैबेज को सॉटे किया है वो भी ऐड कर दूँ, और फिर हिसाब से पानी मिला के एक सॉफ्ट डोफ तैयार कर लूंगी। तो ये देखिए, ये आटा तैयार हो गया है, बहुत नरम आटा तैयार हुआ है। रोटी का जो आटा सानते हैं उससे थोड़ा सा और सॉफ्ट है, लेकिन ये याद रखिए कि आप जैसे जैसे बनाते जाएंगी ये और सॉफ्ट होते जाएगा, तो उस हिसाब से इसका कंसिस्टेंसी रखिएगा। देखिए ये जो है इस तरह का आटा सना हुआ होना चाहिए। तो अब बनाना शुरू करती हूँ। इस तरह का इतना बड़ा सा गोला लूंगी मैं, और इसे बहुत पतला नहीं बनाऊंगी, थोड़ा सा थिकनेस इसका ज्यादा ही रखूंगी। इसमें परथन लगा लीजिए इस तरह से, और हथेली के बीच में ऐसे रख के थोड़ा फैला लीजिए।
और फिर हल्के हाथों से इसे बेल लीजिए। आटा अगर आप अच्छा से मिलाएंगी, सानेंगी, गूंथेंगी तो आपका ये पराठा लाजवाब बनेगा, बहुत ही टेस्टी बनेगा एंड गरम गरम बहुत अच्छा लगेगा। तो देखिए इतना मोटा मैंने बेला है इसे। और जनरली बच्चे जो होते हैं घर में वो कैबेज खाना नहीं चाहते, तो इस तरह से आप उन्हें कैबेज खिला सकती हैं। और आपने देखा कि इसमें ज़्यादा तेल भी नहीं डाला है मैंने और ना ही कोई मसाला डाला है। और सौंफ ज़रूर डालिएगा क्योंकि उसका जो टेस्ट आता है थोड़ा सा स्वीट स्वीट सा टेस्ट, वो बहुत अच्छा लगेगा एंड इट विल गिव यू अ डिफरेंट फ्लेवर। तो ये बहुत ही न्यूट्रिशियस पराठा होता है एंड वेरी हेल्दी स्पेशली फॉर चिल्ड्रेन। थोड़ा सा दूसरी तरफ से जो है वो लाल होने दीजिए, उसके बाद तेल डालिए, तो फिर ये बहुत ही खरखरा जिसको बोलते हैं उस तरह से पराठा निकल के आएगा। थोड़ा सा इसे उठा लीजिए ताकि तेल सेंटर में आ जाए और उसके बाद इसे सेंक लीजिए। आंच थोड़ा सा धीमा ही रखिए, फिर धीरे धीरे तेज भी कर सकती हैं आंच। और इसे दबाते हुए सेंक लीजिए। और ये देखिए ये पराठा बनके तैयार है, इसे चटनी या सॉस के साथ सर्व कीजिए। मैंने यहाँ पे धनिया पत्ता की चटनी के साथ सर्व किया है और ये यकीन मानिए बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में, तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अब चलते हैं गार्डन में। आज मैं अपने गार्डन की थोड़ी सफाई करूंगी क्योंकि ये बहुत करीब 20-25 दिन से थोड़ा नेग्लेक्टेड था क्योंकि फेस्टिवल्स चल रहे थे और थोड़ा आउटिंग भी हो गया हमारा, तो गार्डन थोड़ा नेग्लेक्टेड है। ये देखिए ये जो प्लांट है ये बिल्कुल ख़राब हो गया है, इसके पत्ते सारे झड़ गए हैं। इस प्लांट के भी पत्ते काफ़ी हद तक झड़ गए हैं और इसमें तो कुछ नए पोपले आई हैं। तो इस तरह से मैं थोड़ा सा गार्डन को रीऑर्गेनाइज़ करूँगी। बीच बीच में ऐसा करने से आपका गार्डन ऑर्गेनाइज्ड और ब्यूटीफुल लगता है। और इस तरफ जो ये क्रोटन्स हैं मेरे, इनमें बहुत ज़्यादा कीड़े लग गए थे, मैं आपको दिखा नहीं सकती थी, इतने कीड़े थे। तो इसको मैंने शार के नीचे रख के सुला के ताकि मिट्टी ना गीला हो, इन सब पत्तों को मैंने अच्छे से धोया है बिल्कुल साफ से। और इसे अभी मैं धूप में रखी हूँ ताकि इसके अंदर का जो मॉइस्चर है वो अच्छी तरह से ड्राई हो जाए, नहीं तो इसके जो रूट्स हैं ये सड़ जाएंगी। तो आज मैं थोड़ा सा इसे साफ सफाई करूँगी और रीऑर्गेनाइज करूँगी। तो चलिए शुरू करती हूँ। तो मैं जब भी गार्डन का काम करती हूँ तो मेरे पास इस तरह का एक चटाई है, इसको मैं बिछा लेती हूँ यहाँ पे और उसके ऊपर मैं गार्डनिंग करती हूँ। तो ये दो हिबिस्कस प्लांट है, इसको मैं एक ही गमले में ट्रांसफर करूँगी। एक्चुअली बालकनी में जगह कम होता है तो इंस्टेड ऑफ कीपिंग टू पॉट्स ऑफ द सेम फ्लावर मैंने इसे एक ही में ट्रांसफ़र कर दिया। और ये जो गमला है इसमें आप देख सकते हैं कुछ ग्रास टाइप प्लांट्स, तो ये है रेन लिली, इसमें मैंने सीड्स डाले थे तो ये प्लांट्स उगाए, लेकिन शायद ये गमला बहुत बड़ा है उसके लिए तो मैं इसे छोटे गमले में ट्रांसफ़र कर दूँगी ये सारे प्लांट्स को। तो इस तरह से करने से बहुत स्पेस जनरेट हो जाता है बालकनी। इसके रूट्स नीचे तक आए हुए हैं और ये है प्लांट, तो इसे मैं इसमें लगा दूँगी। तो मिट्टी को थोड़ा सा ढीला कर ली हूँ खुरपी की मदद से और फिर इसे उसमें ट्रांसफर कर रही हूँ। इसी तरीके से इसमें जितने सारे हैं सबको मैं इसमें ट्रांसफर कर दूंगी। और ये है ब्रह्म कमल, इसको मैं
इस बड़े गमले में ट्रांसफर करूँगी, क्योंकि इसको थोड़ा सा बड़ा स्पेस चाहिए, क्योंकि पौधे का ग्रोथ जो है वो गमले के साइज पे भी डिपेंड करता है। कुछ पौधों को बड़ा गमला चाहिए, कुछ को छोटा गमला। और ये मैं बालकनी में आ गई हूँ, ये पुदीने का पौधा है, इसमें बहुत सारे ड्राई लीव्स हो गए, तो इनको मैं थोड़ा साफ कर देती हूँ। ये देखिए, ये ना साफ हो गया, और जो कचरा है वो इतना कचरा निकला इससे। और ये देखिए, ये सारा गंदा हुआ पड़ा है मेरा जो लॉन है, तो इसकी आज मैं अच्छे से सफाई करूँगी। और ये जो सारे गमले हैं, ये जो गमला है ये सिर्फ शो के लिए है, इसमें ड्रेनेज होल नहीं है, क्योंकि मुझे बालकनी में वाइट गमले अच्छे लगते हैं, तो इनको मैं रखती हूँ कि जो मेन पॉट है उसको इसके अंदर डाल के रखती हूँ, तो इसको भी आज पूरे अच्छे से सफाई करूँगी। और ये देखिए, पूरा गार्डन अच्छे से साफ़ हो गया। मुझे कम से कम 3-4 घंटे लगे इसे साफ़ और रीऑर्गेनाइज करने में। और यहाँ पे ये देखिए, एडेनियम का प्लांट है, तो ये इसको बड़ा गमला चाहिए था, तो इसको मैंने छोटे से बड़े में ट्रांसफ़र कर दिया। और ये देखिए, पीछे जो लॉन में इतने सारे पत्ते गिरे हुए थे, उनको भी मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया है, और क्रोटन्स को भी, और कुछ जो इंडोर प्लांट्स थे उनको मैंने बाहर रखा है, क्योंकि जैसे कि ये है अम्ब्रेला प्लांट, तो ये अंदर इसके पत्ते काफ़ी झड़ चुके थे, तो इनको मैं बाहर शिफ्ट कर दी हूँ। और ये नए प्लांट हैं जो कि मैंने इनको अभी रिपॉट किया है अच्छे से, मैं बाहर गई थी तो वहाँ से लेके आई थी। और ये जो है, ये स्पाइडर प्लांट, इनके भी बहुत सारे सूखे हुए पत्ते थे, तो उनको भी मैंने निकाल दिया है, तो ये बिल्कुल फ्रेश और क्लीन दिख रहे हैं। तो इस तरीके से आज मैंने अपने गार्डन की अच्छे से सफाई की है। और ये देखिए, सारे गमले को मैंने अच्छे से रगड़ रगड़ के साफ़ किया है, तो ये बिल्कुल स्पिक एंड स्पैन और स्पार्कलिंग वाइट दिख रहे हैं। सो वंस इन अ वाइल, इफ़ यू क्लीन योर गार्डन, इट गिव्स अ वेरी फ्रेश लुक, एंड योर गार्डन लुक्स एक्सट्रीमली नीट एंड क्लीन एंड ब्यूटिफुल। तो इस पराठे को आप जरूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत हेल्दी होता है, और मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि ये बच्चों को बहुत ही पसंद आएगा, तो आप इसे जरूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आपको आज का ये एपिसोड पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए, एंड प्लीज डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के बाय।